कि भाई आप काम क्या करते हो, या फिर आप तो जैसे मतलब पूरा दिन घर पे ही रहते हो या फिर वीडियोस बनाते हो, काम क्या करते हो। मैं वैसे इस पे एक बार मैं पहले रिप्लाई दे चुका हूँ। मैंगो शेक देखो, इसमें सारा अपना चीनी वीनी से लेकर आम दूध सब डाल दिया है। यहाँ पे मैंने छील के रख दिए हैं। मैंगो शेक बना रहा हूँ। थोड़ा सा गर्मी गर्मी अब मिक्सी का काम है तो मैंगो शेक वगैरह पी लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं दोपहर हो चुकी हूँ, ऑब्वियसली मैं सुबह सुबह आज जल्दी जिम चला गया था क्योंकि जल्दी सोने को मिल गया था, और जल्दी जिम गया था तो ऑब्वियसली फिर टाइम से आ गया। देन उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह अभी जो भी ये फिनिश करी है मैंने, और उसके बाद अभी मैं बना रहा हूँ क्या मैंगो शेक। देखो इसमें सारा अपना चीनी वीनी से लेकर आम दूध सब डाल दिया है। यहाँ पे मैंने छील के रख दिए हैं। मैंगो शेक बना रहा हूँ। थोड़ा सा गर्मी गर्मी अब मिक्सी का काम है तो मैंगो शेक वगैरह पी लेते हैं, जूस वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि एक इसका वो है जो कंप्लीट होता है जो जूसर मिक्सर, उसमें मौसमी वगैरह का जूस भी निकल जाता है। तो अभी मैं आम का जूस बनाता हूँ। तो मैं नहीं ले रहा दोस्तों, मैंगो शेक बन गया है बिना काजू बिना बादाम की, क्योंकि उसको जो वहाँ बेड पे बैठी है ना उसको वहाँ पसंद नहीं है तो काजू बादाम पसंद नहीं है उसे, तो मैं भी ऐसे ही पी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जूस पी लेता हूँ। अत्याचार हो रहा है, अत्याचार। देखो ठीक है, खाने बनाने के लिए रेडी कर दिया इसने, ठीक है। मैंने मैंगो शेक मैं पिला देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको मुझे खरबूज खिलाने में दिक्कत हो रही है। ये खरबूज फ्रिज में रखा रखा कभी अकड़न आ जाए, क्योंकि खराब खरबूज नहीं अकड़न आ जाए, इसकी तरह ना अकड़ जाए इसकी तरह। तरबूज को क्या खरबूज खिलाओ, मतलब लोग नहाते नहीं है तो सोचते हैं कि वो अभी कैमरा में नहीं आएंगे। लड़कियों का ये बहुत बुरा सिस्टम है कि वो पहले पुट्टी लगाने का सोचती हैं। वैसे पुट्टी तो लगाई नहीं है तुमने घने टाइम से, है ना, ये तो वैसे प्रेगनेंसी बिना पुट्टी तो लाके नहीं दे रहा मुझे पुट्टी। तो अभी तो क्या कह रहे हैं, लिपस्टिक से काम चल जाता है थोड़ा बहुत, है आना जाना बात। तो कहती है कि मेरे को मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे अच्छा हमारे ब्लॉग बनने बंद हो जाए, उससे अच्छा हम ना लें। और अभी खरबूज खा के बाहर चलते हैं, तेल वेल से खत्म हो रहा है वो लाना। तो दोस्तों अभी चल दिया हूँ मैं बाहर थोड़ा सा सामान लेने के लिए, और कल ना मैं नारियल लाया था तो दो तीन दिन चला रहा हूँ वैसे तो, पर मुझे लगा शायद मैं दूसरे से ले रहा हूँ तो यही हाल है। नारियलों में हो रहा बहुत तगड़ा स्कैम, एक तो हो गया एक 70 रुपए का नारियल पानी जो होता है, और दूसरा मैं कल भी फिर मैं उसी पे से लाया जिस पे से मैं लाता था, तो दो नारियल ले आया, आधा कटोरी से भी कम वो पानी निकल रहा है। अब प्रीत का मन कर रहा है नारियल पीने का, पर जैसी वो देखती है ना कि इतना सा पानी निकलता है 70 रुपए के नारियल में से, तो कहती है मैं कुछ और हेल्दी चीज खा लूंगी। बट ये है कि स्कैम चल रहा, स्कैम क्या चल रहा है यार, गर्मी इतनी पड़ रही है नारियल शायद सूख ही जाते हैं। बाकी एक बहुत बढ़िया स्टॉक लाता है यहाँ पे 8 सेक्टर में, तो उससे जाके लाऊंगा। अभी मैं यहाँ से सामान सा खरीद लेता हूँ, फिर उसके बाद वापस घर जाऊंगा, फिर नहाऊंगा धोऊंगा फिर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये छोले हैं, दिख नहीं रहे हैं वैसे भी, पानी ज़्यादा डाल दिया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि छोले और ये चावल, छोले और चावल का कॉम्बिनेशन खा लेते हैं बढ़िया तरीके से। एनी को अभी उसकी मम्मी संभाल रही है, और बढ़िया से काफ लोड कर लेते हैं बॉडी में, और फिर जाके एक्सरसाइज करूँगा बढ़िया तरीके से दम लगा के। तो छोले चावल खा लेते हैं, आप भी खा लो। तो दोस्तों अभी आ गया मैं जिम में, और यार मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा ज़्यादा, क्योंकि मेरे इस वाले होठ के नीचे हो रहा छाला, और ऐसा भी नहीं है पेट की गर्मी वर्मी पता नहीं है शायद कटवट गया इस वजह से हो रहा है, क्योंकि बढ़िया सुबह फ्रेश हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पेट की गर्मी तो है नहीं।
पर मेरे ख्याल से ना एक दिन खुद का जैसे बाइट लग जाता है ना, दांत लग जाता है, ऐसे हुआ था। तो एक ही है, उसी में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं जिम आ गया हूँ, जिम कर लेता हूँ उससे पहले। अच्छा, मेरे को ना कमेंट में अक्सर मेरी प्रोफाइल पे भी और प्रीत की प्रोफाइल पे भी अक्सर पूछते हैं कि भाई आप काम क्या करते हो, या फिर आप तो जैसे मतलब पूरा दिन घर पे ही रहते हो या फिर वीडियोस बनाते हो, काम क्या करते हो, काम क्या करते हो। मैं वैसे इस पर एक बार मैं पहले रिप्लाई दे चुका हूँ, बट बेसिकली मैं ये सोचता हूँ कि बार बार अगर कोई पूछता है तो वो बेसिकली ये नहीं पूछना चाह रहा कि आप पैसा कमाते हो या नहीं कमाते हो, वो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि आप किसी कंपनी में जाकर नौकरी वगैरह कर रहे हो या नहीं। और इफ इन केस अगर आप में से कोई अगर ये जानना चाह रहा है कि मैं कहीं जाके नौकरी करता हूँ या नहीं, नहीं मैं नौकरी नहीं करता, मैं खुद का मालिक हूँ, ठीक है। हाँ, बात है कि मैं पैसे कमाता हूँ या नहीं कमाता हूँ, ऑब्वियसली यार ये जो लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ ये कोई 20-30-40 हज़ार रुपये वाली तो लाइफस्टाइल है नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली इसके लिए पैसे लगते हैं और पैसे कहीं ना कहीं से तो मैं कमाता ही हूँ, तो इतना ही समझ लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। जैसे मैं वीडियोस वगैरह ही बनाता हूँ और पूरे दिन जैसे मतलब जिम वगैरह करता हूँ, तो बहुत से मेरे को नसीहत भी देते हैं वो लोग जिनके औकात महीने की 20 हज़ार रुपये की है, राइट, जो कहीं जाके नौकरी करते हैं पूरा दिन अपना मजदूरी वगैरह करी, वो कुछ लोग भी मेरे को वो दे देते हैं नसीहत कि लाइफ ऐसे जियो वैसे जियो, या सेव करो या वो करो ये करो। तो आप जैसे लोगों को मैं इतना बताना चाहता हूँ भाई, मैंने लाइफ हमेशा अपने टर्म्स पे जी है, ठीक है। और अपने टर्म्स पे जीने का मतलब ये है कि मैंने सारे अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजंस लिए हैं, मतलब बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, कुछ डिसीजंस उनमें से ख़राब भी हुए, लेकिन वो ख़राब भी इस वजह से हुए ताकि और दूसरी चीज़ बढ़िया हो सके, राइट। तो अपने टर्म्स पे जिया हूँ तभी ये वाली लाइफ जी रहा हूँ यार, नहीं तो मुझे पता है कि मैं कैसे जी रहा होता। तो हाँ, तो ये चीज़ ये है कि बात है अगर के भाई पैसे कमाते हो नहीं कमाते, हाँ ऑब्वियसली यार ये लाइफस्टाइल पैसे से मेंटेन हो सकती है। और हाँ, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि मैं किसी कंपनी में जाके नौकरी कर रहा हूँ, तो हाँ मैं किसी कंपनी में जाके नौकरी नहीं कर रहा हूँ, पहले करता था मैं आईटी कंपनी में सेल्स का काम करता था, तो बहुत काम करा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अब इतना वर्थ बना लिया है कि अब अपना ही कर लेते हैं। तो अभी मैं जिम कर लेता हूँ और उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों खाना वाना तो दोस्तों जिम से तो आ गया था मैं उसी के बाद ही, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एनी को खिलाना वगैरह, देन उसके बाद खाना वाना खाना, और उसके बाद अभी मेरी सोने से पहले मैंने सोचा जूस वूस पी लिया जाए, तो यहाँ पे जूस बना दिया है, तो जूस पी के अपना सोते हैं, मतलब अभी नहीं थोड़ी देर बाद सोऊंगा थोड़ा डाइजेस्ट वगैरह करके। और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अब सोए रहे हैं, तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय फॉर नाउ।